सलमान खान पहुंचे शाहरुख खान से मिलने हॉस्पिटल। जी हां, सलमान खान का कहना था कि वे शाहरुख की हेल्थ को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब थे। यही नहीं बल्कि शाहरुख खान जब अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां पे बताया जा रहा था कि शाहरुख खान को हुआ हीट स्ट्रोक, लेकिन अब जब शाहरुख खान मुंबई पहुंचे तो उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। यही नहीं बल्कि आईपीएल के मैच में भी देखा गया था शाहरुख खान के हाथों में बैंडेज लगे हुए, जहाँ पर साफ जाहिर था कि शाहरुख खान की तबीयत ठीक नहीं। यही नहीं बल्कि सलमान खान को लेकर ये खबर सामने आई कि सलमान खान शाहरुख खान से मिलने हॉस्पिटल गए। सलमान खान की बात की जाए तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है कि जहाँ पे सलमान खान ने कभी भी शाहरुख खान को अकेला नहीं छोड़ा। फिर बात की जाए शाहरुख खान के बेटे आर्यन की, जहाँ पे केस में फंसने के बाद बहुत से लोगों ने शाहरुख खान का साथ छोड़ दिया और आर्यन को खड़ी कोठी सुनाई, वहीं पे सलमान खान तब भी नजर आए थे आर्यन की सपोर्ट में। यही नहीं बल्कि उस वक्त भी सलमान खान का कहना था कि शाहरुख खान उनके भाइयों की तरह है और वो कभी भी शाहरुख खान को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। अब देखा गया कि सलमान खान नजर आए शाहरुख खान से मिलने मुंबई के एक हॉस्पिटल में, जहाँ पे उन्होंने शाहरुख खान की तबीयत पूछी। यही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे ना प्यार चलता है ना ही दोस्ती, वक्त आने पर सभी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यही भी बात की जाए सलमान खान एंड शाहरुख खान की दोस्ती की तो ये काफ़ी टाइम पुरानी और अब भी दोनों एक साथ नज़र आते हैं एक दूसरे की सपोर्ट में। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो के रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।